मैं डॉक्टर नेहा वार्ष्णेय, एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट एंड पेन फिजिशियन, कंसल्टेंट मेदांता मेडिसिटी, गुरुग्राम। आज हम डॉग बाइट के बारे में बात करेंगे। ९९% केसेस में रेबीज बीमारी डोमेस्टिक डॉग के बाइट से फैलती है, पर यह बीमारी बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स के काटने से फैल सकती है। ये बीमारी कुत्ते के काटने से, स्क्रैचेस से या उसके सलाइवा के ट्रांसमिशन से होती है। एक बार रेबीज के सिम्टम्स डेवलप हो जाएं, तो ये बीमारी 100% फेटल है। व्हाट इज रेबीज? रेबीज क्या है? रेबीज एक जूनोटिक वायरल डिजीज है। ये कुत्ते, बिल्ली, जैकल, फॉक्स या बैट के काटने से फैलता है। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब रेबीज का इन्फेक्शन एक्सपोजर होने से लेकर सिम्टम्स आने तक का टाइम करीब 2 से 3 महीने का होता है। इनिशियल सिम्टम्स जो रेबीज के होते हैं, उनमें पेशेंट को फीवर, बाइट साइड पर पेन, स्वेलिंग, टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। अगर ये वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फेटल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कि जानलेवा होता है। डॉग बाइट हो जाने के तुरंत बाद क्या करना होता है? डॉग बाइट हो जाने के बाद घाव को अच्छे से साबुन और पानी से कम 15 मिनट के लिए धोना चाहिए। ऐसा करने से घाव पर वायरल लोड कम हो जाता है। अगर घाव से ब्लीडिंग हो रही है तो घाव को एक साफ कपड़े से हल्के से प्रेस कर लेना चाहिए। इसके बाद वहां पर कोई भी एक एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन जैसे पोविडिन आयोडीन और 70% अल्कोहल को अप्लाई करना चाहिए। यूजली ये चीजें घर में नहीं होती, तो उस केस में हम घाव पर आफ्टर शेव का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद घाव को एक स्टाइल बैंडेज से कवर कर लेना चाहिए और हेल्थ केयर फैसिलिटी से कांटेक्ट करना चाहिए। बेसिकली डॉग बाइट की 3 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 में एनिमल इंटैक्ट स्किन पे लिक कर सकता है या टच कर सकता है। कैटेगरी 2 में निबलिंग हो सकती है, माइनर स्क्रैचेस हो सकते हैं या विदाउट ब्लीडिंग एब्रेजंस हो सकते हैं। कैटेगरी 3 में सिंगल या मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स हो सकते हैं, स्क्रैचेस हो सकते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन या ब्रोकन स्किन का रैबिट एनिमल के सलाइवा से कांटेक्ट हो सकता है। व्हाट वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड? डॉग बाइट के विक्टिम को इंजरी के बाद टिटनस टॉक्सेट देना चाहिए और घाव पर सेप्सिस ना फैले, इसके लिए एंटीबायोटिक कोर्स देना चाहिए। व्हाट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में बेसिकली 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 है उस एरिया को अच्छे से वॉश करना और उसका लोकल ट्रीटमेंट देना। नंबर 2 है कोई स्ट्रॉन्ग और पोटेंट एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन देना। एंड नंबर 3 है एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिंस देना अगर रिक्वायर्ड है। कुछ लोग घाव पे कुछ इरिटेंट्स अप्लाई कर देते हैं, जैसे नमक, तेल, मिर्च, हल्दी, नींबू। इन सबको लगाना बहुत ही अननेसेसरी और हार्मफुल है। अगर किसी ने घाव पर इन इरिटेंट्स को इस्तेमाल किया है तो घाव को सोप और पानी से अच्छे से धोकर पोविडिन आयोडीन और अल्कोहल को इस्तेमाल करना चाहिए। डॉग बाइट्स के वुंड में यूजली सूचरिंग अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर वुंड बहुत एक्सटेंसिव है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और सूचरिंग करना जरूरी है, तो वुंड को अच्छे से क्लीन करने के बाद वहां पर इम्यूनोग्लोबुलिंस को डेप्थ तक इन्फिल्ट्रेट कर देना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन के कुछ घंटों बाद ही सूचरिंग करनी चाहिए। इसके बाद लूज सूचर्स ही अप्लाई करने चाहिए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। यूजली फेशियल इंजरीज में सूचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। कई बार इंजरी बहुत एक्सटेंसिव होती है, तो उस केस में प्लास्टिक सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिंस एक तरीके की पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। रेबीज वैक्सीनेशन
होने के बाद बॉडी एंटीबॉडीज बनाने में कुछ टाइम लेती है। उस टाइम तक ये इम्यूनोग्लोबुलिंस इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। मल्टीपल इंजेक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिंस को अवॉइड करना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर लोकली इन्फिल्ट्रेट करने के बाद इम्यूनोग्लोबुलिंस की कुछ अमाउंट बचती है तो उसको डिस्टेंट साइट पर डीप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल वुंड हैं या डीप वुंड हैं और इम्यूनोग्लोबुलिंस की अमाउंट कम पड़ती है तो इसको स्टेराइल नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिंस की डोज कैलकुलेटेड अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको डॉग बाइट और रेबीज वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।